हेलो गाइस, आज हम जाने वाले शिवगढ़ी और फैमिली के साथ। तो मेरा मम्मी और दादी और मेरा मामा का लड़का, मतलब मेरा भाई जाने वाला है। और एक सीट का कीमत है 1400। तो महादेव के पास मिलते हैं। और ये अब मेरा दोस्त भी बैठा है मेरे साथ, इसको छोड़ कर भी जाना पड़ेगा। ये तो हमारे साथ नहीं जा रहा है, फैमिली के साथ जा रहे हैं। तू रह जा, चल अब निकलते हैं, मेरा टाइम हो चुका है जाने का। फिर हम टोटो में बैठ गए और वहाँ पे निकल पड़े जहाँ पे हमारा टूरिस्ट बस आने वाला है। और ये हम पहुँच चुके हैं जहाँ पे हमारा बस आने वाला है। हमारे सामने एक मंदिर था और मंदिर के सामने हम वेट करने लगे कि हमारा बस कब आएगा। A few minutes later. फाइनली आखिरकार हमारा टूरिस्ट बस आ चुका है। और ये देख सकते हो, ये है हमारा टूरिस्ट बस और इस बस का नाम है दादा भाई। चलो अब अंदर जाते बस के। आप सोच रहे होगे ये आवाज़ क्यों कर रहे हैं, तो ये बस जब छोड़ता ना ये आवाज़ निकालते जिससे हमारा सफर अच्छा जाए। उसके बाद थोड़ी देर मेरा शक्ल को देखने के बाद मैं थोड़ा बाहर देखने लगा। तो गाइस अभी हमारा बस रुक चुका है क्योंकि अभी खाना बनने वाला है और अभी रात के 9 बजे। तो बस अभी देखो खाली हो चुके, सब बाहर निकले बैठे बाहर जाके। और यहाँ पे मैं हूँ और यहाँ पे एक छोटा भाई है और यहाँ पे और एक भाई है और यहाँ पे और एक भाई है मेरा। अच्छा अब बस के बाहर जाते हैं, यहाँ पे बहुत रुक लिया, चलो बाहर निकलते हैं बस के। तो ये है हमारा बस और यहाँ पे खाना बन रहा है अभी। और ये है पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप के सामने ही है हम। 2 hours later. खाना बन चुका था और हम सब खाने बैठ चुके थे। तो सबका खाना कंप्लीट हो चुका था तो हमारे पास फिर से निकल पड़ा और टीवी भी चला दिया था। तो चलो आराम से अब टीवी देखते हैं। तो अभी सुबह के 4:30 बजे और हम आ चुके शिवगढ़ी। ऐसे थक के बात करने का कारण है क्योंकि मैं रात को सो नहीं पाया था। अब हमें चल के जाना पड़ेगा महादेव के पास, तो चलो निकलते अब। गाइस एक बार आसमान को देखो, आसमान के देख के लग रहा था मैं कुछ अलग दुनिया में आ चुका हूँ। यहाँ पे सारे लड़के मिलके कर के रहे हैं, तो बता दूँ यहाँ पे सारे लड़के यहाँ पे नहा रहे हैं। देख रहे हो अंकल जी पाइप से पानी फेंक रहे सबके ऊपर और सारे लड़के नहा रहे हैं। और पास में नल भी है लेकिन नहीं, उनको खड़े हो कहीं नहाना है। तो मेरी मम्मी अभी नहाने जाने वाली है इसलिए मुझे सामान सारे इसके सारे पकड़ा दिया और ख्याल रखने के लिए बोल दिया। ये देखो भर गया हूँ मैं सामान से, क्या बोलूँ अब। मम्मी आ चुके हैं नहा के और इसीलिए मैं भी निकल पड़ा अब नहाने के लिए, मेरी बारी। चलो नहीं जाते हैं नहाने के लिए। सबने नहा लिया है, चलो जाते हैं पहाड़ के ऊपर महादेव के पास। तो फाइनली आ चुके हैं हम पहाड़ के ऊपर और यहाँ पे हमारा महादेव है सामने ही। और देख रहे हो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। तो
गाइस इसके अंदर ही हमारा महादेव है और इसके अंदर जाके सारे लोग जल डाल रहे हैं महादेव के ऊपर। तो इसके अंदर हम वीडियो नहीं कर सकते, इसलिए मैं वीडियो नहीं कर पाया, मुझे कैमरा ऑफ करना पड़ा। तो ये देख सकते हो पहाड़ से पानी गिर रहा है और सब लोग भर रहे हैं, तो इसको हम बोतल में भर लिया, तो इसको हम गंगा जल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नहाने की वजह से बाल ठीक नहीं थे, इसलिए मैंने बाल को ठीक कर लिया, सेट कर लिया खड़े खड़े है, सब हो चुका है, अब हम निकलेंगे नीचे वापस। जय माता, जय धनमान पुत्रमान लक्ष्मीमान सदा कल्याण, मुझे मनोकामना पूरा। जय माता, जय जयकार, जय माता। मेरी मम्मी और मैंने टीका लगाया माथे पे, ये देखो कैसा लग रहा है। और फाइनली हम हमारे बस के पास आ चुका है और यहाँ पे अभी खाना बन रहा है। भीगे हुए कपड़े को मैंने चेंज कर लिया और ये पहन लिया है मैंने। ब्रश करने के लिए मैं बाहर आ चुका हूँ और सामने का नज़ारा देखो। और खाना बन के रेडी था इसलिए मैं खाने के लिए बैठ गया। 2000 years later. खाना खाने के बाद हम यहाँ से निकल पे रहे और यहाँ से हम और दो जगह जाएंगे और दो जगह का मैंने रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया क्योंकि मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका था, चार्ज नहीं था, लेकिन मेन जगह तो हमने रिकॉर्डिंग कर लिया सिम कार्ड की।
बस इतना ही था। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया था, वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में लिख दो हर हर महादेव। पीस आउट।